तो मैं मेरे लिए वो फ्रेश है, उसकी ताज़गी की कन्फर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी वेजिटेबल जो है वो पिक करता हूँ और आपके सामने मैं इसको चॉप कर रहा हूँ और डंडियाँ तक मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। पालक का जो है ये हमारा मेन सोर्स ऑफ आयरन है और इसको ज़रूर अपनी जो है घर में अपने स्केड्यूल में रखिएगा कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और इसलिए मैंने ये चूज़ किया ताकि इसको साथ कॉम्प्लीमेंट जो करेगा कॉम्प्लीमेंट करेगा चिकन के सालसा के साथ। अंजुम का कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अंजुम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं यासिर साहब? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप अंजुम साहब? मैं बहरेन मनामा से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बहरेन से जी। तो इस वक्त तो आप सहरी से पहले की तैयारी कर रहे होंगे? हाँ नहीं नहीं, सहरी की तैयारी हो रही है, अभी तो 2 बज रहा है जी। तो आपको छोटी सी गुजारिश थी कि हुक्म कीजिए, क्या मुझे जर्दा बता सकते हैं जर्दा बनाने के लिए? जर्दा बनाने के लिए मेरा जो इस वक्त फोकस है वो है कॉन्टिनेंटल डिशेस के ऊपर। रमज़ान के जो स्केड्यूल हमने बना लिया है, मेन्यू बना लिया है, उसके बाद मैं जो है जब रेगुलर प्रोग्राम में आएंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर आपको कोई ना कोई जो है एग्जॉटिक डिशेस जो है। आपकी जो बुक है जी यहाँ पे मिलती है मनामा में मसाला चैनल की? हाँ जी, मसाला चैनल से आप हमें ईमेल कर सकते हैं, barkat-e-sehat@masala.tv पे आप ईमेल कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैगजीन के तौहीद से। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अब आप आ रहे हैं चिकन की तरफ। चिकन जो है हमारा वो ग्रिल हो रहा है, इसकी आंच थोड़ी सी मैं ज़रा और तेज़ कर दूंगा और स्पिनच के लिए मैं तैयारी करूंगा। This time check is brought to you by की बारगाह में तो और क्या है चाहिए। तो मैं उसको बारीक जो है चॉप कर लेता हूँ और साथ साथ नजर जो है मेरी अपने चिकन की तरफ है। मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ सीख लिया कि किस तरीके से अपनी जो है उंगलियां बचाएं। आप अपने घर पे ज़रूर ध्यान से काटिएगा क्योंकि आई डोंट लाइक फिंगर्स इन माय फूड, सो स्पेशली व्हेन दे आर चॉप, सो आई वुड बी केयरफुल। मैं इसके अंदर गार्लिक इस्तेमाल करूँगा और इस लहसुन को मैं साइड से तोड़ के ये इसलिए मैं करता हूँ कि उसके जूसेस जो हैं कहीं और नहीं जाते और इसके जूसेस कहीं और नहीं जाते और इसके फ्लेवर्स जो हैं वहीं के वहीं हमें खूबसूरती से मिल जाते। अब मैंने अपना चेक कर लिया, इसमें हम ऑलिव ऑयल डालते हैं अपना चिकन में टर्न करने लगा हूँ जी, इसको दूसरी साइड पे करेंगे। आप चिकन देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये फर्म होता जाए, फर्म होने का मतलब सख्त होता जाए, तो ये पकता जाएगा साथ साथ। और मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ पर मूव करने लगा हूँ और हम जो है 2 चूल्हे बंद कर देंगे। अब मेरा जो स्टोव टॉप है उसका हैंडल बड़ा फ्लेक्सिबल है तो इसको अपनी साइड पे करके और सिर्फ एक को हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का कॉम्बिनेशन करके
इसमें डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं जिस तरह भगार आप घर में लगाते हैं उसी तरीके से ही मैंने लहसुन को और अदरक को इसमें डाल के कर लिया। और ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको, इसके अंदर जो है हम अब ये अपना पालक डालने लगे हैं।